মই ডিসকাস কৰিম এতিয়া কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ কাৰণে আলোক ভাগদো যিজন অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেখেতৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ দি এইটো চাব। আৰু হ'ল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কি এতিয়া মানে কোন কোন কুৱেশ্যন আহিব, কেনেকৈ আহিছিল আৰু আগৰ কুৱেশ্যনবিলাক গোটেইকেইটা মই ডিছকাছ কৰিম। চ' অলপমান হিন্দী ক'লে ভাল হ'ব। सो एक्चुअल में ये हिंदी है तो हम हिंदी से थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि बुक में है नहीं लेकिन आपके एग्जाम में आ चुका है। अपना लोग अलपमान साबो दुनिया के थोड़ी सी ध्यान दीजिए। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं दे रहा हूँ। कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट। अच्छा अभी बात करते हैं पहला चैप्टर की। पहला चैप्टर न्यू की ईट, थोड़ा सा हमें ये देख लेना ज़रूरी है सिलेबस। ठीक है अभी 100% आप लोग पास कीजिएगा, 100% अपने लोग पास करीबा। मैं जेने का कम और कि करीब लगे के पढ़ा गोटे कटा मैं गाइडलाइन दी थी अपने घर एटू स्टार्ट कर दिए आजिर जीजर स्टूडेंटर हिंदी इलेक्ट्रिक एटू बेहतर कारण। सो पहला देखिए न्यू की ये छोटा जादूगर, ये दोनों से 10 मार्क फाइनल के लिए दिया गया था। तो ये दोनों में 5-5 मार्क एवरेज पकड़ के रखा गया है। हो सकता है एग्जामिनर इसमें 6 मार्क का भी दे सकता है, तो हम 5 मार्क एवरेज पकड़ लेते हैं कि 5 मार्क न्यू का ईट, 5 मार्क छोटा जादूगर। तो इसको आज डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस है, बहुत कुछ ग्रामर भी मैं करा दूंगा। हिंदी पास करना बहुत ईजी है, राम ब्रिज बेनीपुरी जी इसके राइटर है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चलिए आते हैं स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। यहाँ पर देखिए मैं आपको इससे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट होगा मैं दिखाऊंगा। राम ब्रिज बेनीपुरी जी का जन्म कब और कहाँ होता है, इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन भर भर के है। देखिए बहुत क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन पढ़ना इतना शॉर्ट टाइम में, 1 महीना बाद एग्ज़ाम है। वन मंथ आपको चांस दिया गया है, 1 महीना के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन भर भर के है, इतना क्वेश्चन पढ़ना इतना पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है यहाँ पर व्याख्या है, ढेर सारे क्वेश्चन है, देखिए भरा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, व्याख्या भी है। अब की बार हम डिस्कस करते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं एक आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे सिलेक्शन करके दिया गया है, ये बस VVI मारा हुआ है। 1 नंबर डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है। नेक्स्ट 3 नंबर बेनीपुरी जी का पूरा नाम क्या है। आज हम न्यू की ईट बनने की अपेक्षा कंगूड़े की ईट बनने के लिए क्यों उतावले हो रहे। देखिए ये मैं लास्ट अभी जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले ये वीडियो बना चुका था। बहुत सारे स्टूडेंट है अपने आप को धोखा देता है, पढ़ाई नहीं करता है, मैं सिलेक्शन करके दे देता हूँ, मेरा विश्वास भी नहीं करता, ये इसका नोट्स भी नहीं बनाता है और पढ़ता नहीं है और कहता है मुझसे हिंदी नहीं होता है, हिंदी से डर लगता है, एकदम इजी है। और ये सब अगर कोई पढ़ के गया होगा, यहीं से क्वेश्चन आया था। आप 2024 का पेपर है ना, पेपर निकाल के आराम से देखिए, मिलाइए ये वाला जो मैं अभी यहाँ से टिक करके रखा हूँ इम्पोर्टेंट, देखें यहाँ से दिया गया है कि नहीं। ठीक है यहाँ से देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आराम से। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है और लेना है, इतना दूर स्क्रीनशॉट लेना है और इसी को पढ़ना है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो बुक में नहीं है, आपको नोट्स जो गाइड बाज़ार से लाते हैं उसमें आपको ये सब आंसर मिलेगा नहीं, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। आज हम न्यू की ईट बनने की अपेक्षा कंगूरे की ईट बनने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं। आज देश के नौजवानों के समझ क्या चुनौती है। लेखक के अनुसार कौन सी ईट अधिक धन्य है। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईंटों का हो या व्यक्ति का। देश का शायद ऐसा कोई कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीति नहीं हुए हो जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी बित्रासुर का नाश किया। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया भी करते हैं। हम कठोर से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ लेते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 10-15 क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए आराम से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। यहाँ से 5 मार्क मैं आपको दे दिया, 5 मार्क दे दिया। अब बात करते हैं क्या यह क्वेश्चन बुक में है, क्या आपको गाइड में इसका आंसर मिल जाएगा, चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं। ये पहला क्वेश्चन को ही मिल जाता हूँ, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिए। डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है, 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बृतासुर का नाश किसने किया था,
बेनीपुरी जी का पूरा नाम क्या है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने देखे। अभी हम मिला के दिखाता हूँ कि बुक में ये क्वेश्चन है कि नहीं। ये देखिए, मिलाइए आप। हाँ, डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है क्या है? नहीं, यहाँ पे नहीं मिला मुझे। अच्छा, अब नीचे जाते हैं, क्या मिलता है? नहीं है, सत्य कठोर, सत्य मनुष्य सत्य से क्यों भागता है, ये सब है। ये क्वेश्चन है, आज देश के नौजवानों के समझ क्या चुनौती है, ये दिया हुआ था एलओडी। ये सब है। डूबने से डरने वाला व्यक्ति, देखिए कितना नंबर पे है। डूबने से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। मतलब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, वह हमारा बुक में नहीं है। तो भाई स्टूडेंट तो फेल करेगा ही, राइट? स्टूडेंट फेल करेगा ही। अब वो स्टूडेंट को पास कैसे किया जा सकता? देखिए, और दिखाता हूँ। ये तो डेमो है भाई, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, 2 से 3 मार्क का। क्वेश्चन क्या कहता है? आज हम नींव की ईंट बनने की अपेक्षा कंगूरे की ईंट बनने के लिए क्यों उतावले दिखाई देते हैं? फिर से पढ़ो, एक बार का जगह कई बार पढ़ो। एबार न हो दो बार तीन बार रीड करा क्वेश्चन की अलग दुनिया के पढ़ी लो। देखो, आज हम नींव की ईंट बनने की अपेक्षा कंगूरे की ईंट बनने के लिए क्यों उतावले दिखाई देते हैं? पोड़ीला दुनिया के अपना लोग के होई गोल? ओके, हेटू होई गोल न होए। आज हम न्यू की ईंट बनने की अपेक्षा कंगूरे की ईंट बनने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं, राइट? ओके, सो डिस्कस करते। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन खोज के दिखाइए, तो वो वाला क्वेश्चन मैं भी देखना चाहता हूँ भाई, बुक में ये क्वेश्चन है कि नहीं है। स्टूडेंट फेल क्यों कर रहा है? अपना लोग फेल क्यों करी ऐसा? अपना लोग एनालाइज करा है नहीं? अपना लोग नाजाना है बिलाक? आज हम न्यू की ईंट बनने की अपेक्षा कंगूरे की ईंट बनने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं? दिखाओ, आज हम, आज किसके लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है, ये क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका आंसर मैं उसके अंदर घुसा सकता था, लेकिन स्टूडेंट को मालूम नहीं था कि ये इसका आंसर मिला जुला के एग्जामिनर ने टेढ़ा सीधा घुमा के एक क्वेश्चन बनाया है। ये बच्चे को मालूम नहीं है, तो वो बच्चा वो क्वेश्चन आंसर नहीं दिया था, फिर भी और मिलाते। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके बुक में? आज हम न्यू की ईंट बनने की अपेक्षा कंगूरे की ईंट बनने के लिए क्यों उतावरे हो रहे हैं? हाँ, दिखाइए हमें क्वेश्चन, दिखाओ भाई, कहाँ है? दिखाओ कहाँ है? है कहीं पे है? ये क्वेश्चन है क्या जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था? ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन हमारे बुक में है ही नहीं, तो स्टूडेंट क्यों फेल नहीं करेगा, राइट? है ही नहीं, मैं तो देख लिया, है ही नहीं। तो फेल करने का तो यही बात है ना, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहा है बुक में नहीं है, बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, एग्ज़ाम में कुछ और आ रहा है, तो वो तो छोड़ के ही आएगा ना एग्ज़ाम में, वो लिखेगा कहाँ से? बना के तो लिखने का वो है ही नहीं, कैपेसिटी होनी चाहिए, हिंदी अच्छे से जानता नहीं है, बचपन से आसामीस पढ़ा है, तो वो कहाँ से लिखेगा? तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन तो होना चाहिए। यस, हमारे पास सब कुछ दवा है। देखिए, बात उस पर डिस्कस करते हैं, चलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आपको खुद लिखना है, तभी आप पास कर पाइएगा। अब बोलिएगा सर ये कहाँ से मिलेगा? नोट्स में, नोट गाइड में आपका ये आंसर नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल। मार्केट से जो गाइड लाया जाता है उसमें आपको ये सब आंसर नहीं मिलेगा, बिल्कुल रॉन्ग है आप। मार्केट से जो नोट्स लाइएगा वो बिल्कुल बुक का क्वेश्चन का आंसर रहता है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं, एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन दे ही नहीं रहा है, बेकार। ये सब क्वेश्चन पढ़ना है जो मैं VBI देखे रखा हूँ, गोल देखे रखा हूँ, रेड दिखाई दे रहा है ये सब, बिल्कुल 1 2 3। ये देखिए व्याख्या, व्याख्या लिखने का कई तरीका होता है, हाँ, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, उपसंहार, थोड़ी डिसिप्लिन है। व्याख्या लिखने का एक डिसिप्लिन होता है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, विदाउट डिसिप्लिन पे मार्क नहीं मिलेगा। तो ये सब सिखाएगा कौन? इसीलिए तो टीचर चाहिए, और इसीलिए नोट्स भी बनवाना चाहिए। एक टीचर का कर्तव्य होना चाहिए कि स्टूडेंट को नोट्स बना के दे, एक्स्ट्रा ऐसा बना के दे कि उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ही ना पूछ सके एग्जामिनर, ठीक है? और मैं तो देता हूँ तो तुम लोग पढ़ता नहीं है भाई, ऐसा है, फ्री में मिलता है इसलिए वैल्यू नहीं देता है, मेरे वीडियो को भी वैल्यू नहीं देता है, राइट? तो देखिए ये सब पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब बात है कि देखिए मेरे पास अभी
समय नहीं है कि मैं इसका क्वेश्चन आंसर लिख के दिखाऊं, लेकिन हाँ सोल्यूशन है कि मैं आप लोगों को, मैं आपको खुद ये सब लिखा दूंगा। अभी मैं थोड़ी बाद में या एक घंटे बाद में मैं ये न्यू की एक जो चैप्टर है पूरा एक्सप्लेनेशन एक पढ़ाऊंगा। मैं सबसे पहले मैं उस चैप्टर को समझाऊंगा, वो लगभग 1 आवर का वीडियो होगा, तो वो 1 घंटा वीडियो हर स्टूडेंट को देखना है, देख कर समझना है कि कहानी कहाँ चल रही है, कहानी में क्या है, राइट। तो वो पहले समझना है, पहले ये आंसर लिखना और याद करना बिल्कुल गलत होगा। पहले कहानी को समझो, कहानी समझा दूंगा फिर मैं लाइव वीडियो लूँगा। मैं कल एक लाइव वीडियो लूँगा, ठीक है, कल परसों में ले रहा हूँ, और वहाँ पे सब आंसर मैं लिखाऊँगा खुद बैठ के आप लोगों को, और सब लाइव वीडियो में आ जाना, ओके। लाइव वीडियो में आ जाना, मैं मुँह से बोल बोल के लिखवाऊँगा, स्पेलिंग भी लिखवा दूँगा, और तुम लोग का नोट्स तैयार कर दूँगा मैं, ओके। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन दिया है सबको लिख के रख लो, और कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। जिस तरह 3 नंबर 4 नंबर ये बुक में है, ये आप आज ही पढ़ लो, 3 नंबर 4 नंबर आज को आज ही कर लेना है। इसके बाद 5 का ख, ये 5 का ख यहाँ पे, ये वाला पढ़ना है, बुक में है, ये वाला ये बुक में नहीं है, तो ये दोनों बुक में है, पढ़ना है। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बुक में है, तो उसको पढ़ लो, जो नहीं है मैं लिखवा दूंगा, मैं गारंटी लेता हूँ मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो और एक बात है कि सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि मैं एक ग्रुप बनाया हूँ, सिर्फ कंपार्टमेंटल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। सिर्फ कंपार्टमेंटल के लिए स्पेशली एक ग्रुप बनाया गया है। कंपार्टमेंटल स्टूडेंट जितना भी है, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल हो, एनी कोई भी सब्जेक्ट आपको ख़राब है, आप आराम से वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको वो ज्वाइन करना है। दूसरा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए अभी ये वीडियो अगर लाइक और शेयर नहीं होगा तो मैं ये आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक चैप्टर को समझना, क्वेश्चन आंसर लिखना, फिर प्रोवाइड कराना, फिर लाइव वीडियो लेना, टाइम भी देना, तो बहुत मेहनत है भाई। तो मेरा मेहनत का कुछ तो 1% तो तुम लोग वैल्यू दो, 1% ज़्यादा नहीं। वैल्यू कैसे देना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, इतना ही करना है। और जिसका जो प्रॉब्लम है कमेंट करो, कोई भी स्टूडेंट का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करना है, लाइक तो जरूर करना है, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। नया स्टूडेंट है, नया व्यूअर है, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उनका बेनिफिट होगा, मैं बोलता हूँ, खुद से बोलता हूँ।